सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं पोलर कोऑर्डिनेट के, तो कोनिक सेक्शन के। तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आप क्या क्या कहता है, कहता है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक, ये हमारी कोनिक की इक्वेशन दी है और इस कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इक्वेशन की बात कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू द फोकस अदर देन द पोल इज दिस। ठीक, हम जानते हैं कि ये हमारे कौन से कोनिक की इक्वेशन होती है, उस कोनिक की इक्वेशन होती है जिसका फोकस हमारा कहां पे हो, पोल पे रहता है। ठीक, ये वाली जो हमारी कोनिक की इक्वेशन होती है वो ऐसे कोनिक की इक्वेशन होती है जिसका फोकस हमारा पोल पे हो और इनिशियल लाइन ही उसकी क्या हो, एक्सेस ऑफ कोनिक हो हमारे। ठीक, तो क्या रहा है कि हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, उस तरह की कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, करस्पॉन्डिंग टू द फोकस अदर देन द पोल, यानी कि उस कोनिक के, हर कोनिक के आपके दो फोकस होते हैं। ठीक, तो उस कोनिक का आपका जो दूसरा वाला फोकस है जो पोल नहीं है, ठीक, उस कोनिक मतलब उस फोकस के करस्पॉन्डिंग आपको जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, तो चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि इक्वेशन क्या कह रहा है। तो देखिए, हमारा जो इसका डायग्राम है, एक्चुअल में हमारे कौन से कोनिक की जो है, अरे हमारे इलिप्स, यानी अगर हम कोनिक की बात करें तो इलिप्स में हमारा दो फोकस इस तरह से आता है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक इलिप्स है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा एक इलिप्स है। ठीक, और ये इसका एक फोकस है और ये इसका मान लेते हैं हम दूसरा फोकस है। ये इस हमारे इलिप्स के जो है दो हमारे फोकस हैं। ठीक, ये हमारा इलिप्स है और इसके हमारे दो फोकस है। ये मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, ये हमारा जो है कोनिक की एक्सेस है। ठीक, और इसको हम मान लेते हैं पोल, ये हमारा क्या है, पोल है। ठीक, और ये हमारा फोकस है और इसको हम मान लेते हैं दूसरा फोकस, मान लेते हैं हमारे कोनिक को, हमारे कोनिक का जो कि एस डैश है। ठीक, इसी तरह से यहां से भी हमारी क्या जाएगी, एक डायरेक्ट्रिक्स जाएगी। ठीक, इस तरह से यहां से भी हमारी क्या जाएगी, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि अभी तक तो हम इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते थे जब हम पोल से मतलब डिस्टेंस लेते थे डायरेक्ट्रिक्स का ऐसे, बट अब हमको कह रहा है कि हमको ये इस साइड वाली अपोजिट साइड वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, जहां पे ये हमारा कोई पॉइंट है पी, जिसको जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं आर कॉमा थीटा है अगर। ठीक, ये पॉइंट मान लेते हैं हम कोई पी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी आर कॉमा थीटा है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आर कॉमा थीटा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और अब हमको इस वाले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है हमारे फोकस मतलब कि उस मतलब कि हमारे यहां
इस वाले डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है जो कि इस वाले फोकस से, मतलब डायरेक्ट्रिक्स को इस वाले फोकस के लिए हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है हमें उसकी निकालनी है, ना कि उस वाले फोकस के लिए निकालनी है जो कि हमारा क्या है, पोल है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और फिर हमको कह रहा है कि हमको निकाल के दिखाना है कि जो हमारी इक्वेशन आएगी इस वाले डायरेक्ट्रिक्स की वो हमारी ये आएगी। ये हम साइड में लिख लेते हैं या फिर ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, एल बाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस ई स्क्वायर इंटू ई कॉस थीटा, ये आएगी हमारी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहां पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक। हमारे कोनिक की इक्वेशन क्या दी गई है हमको, एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ये हमारे कोनिक की इक्वेशन दी गई है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट है P जो कि हमारे उस वाली डायरेक्ट्रिक्स पे है जो कि किसके करस्पॉन्डिंग में बनी हुई है, हमारे उस फोकस के करस्पॉन्डिंग में बनी हुई है जो कि हमारा पोल नहीं है। ठीक, सो लेट अस टेक अ पॉइंट P R कॉमा थीटा, ठीक, लेट अस टेक अ पॉइंट P R कॉमा थीटा ऑन अवर डायरेक्ट्रिक्स, ऑन अवर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन पे। ठीक, मान लेते हैं ये है। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमारा आर हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा हमारा ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि इनिशियल लाइन से हमारा मेजर किया गया एंगल होता है, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। ठीक, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक, तो अब चलिए क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं ये एस था और ये एस जेड हुआ करता था। ठीक, और इस तरह से ये अगर एस डैश है तो ये पॉइंट क्या होगा, एस जेड डैश हो जाएगा ये लाइन हमारी। ठीक, अब चलिए ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, पी जेड डैश और एस, एस डैश नहीं लेंगे, पी जेड डैश और एस लेंगे। ठीक, तो इन ट्रायंगल पी जेड डैश एंड एस वी हैव, हमारे पास क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है, एस जेड डैश, एस जेड डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितनी है, आर है, तो अपॉन में आर, तो यहां से क्या आ जाता है कि एस जेड डैश इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखिए, कॉस पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा हमारा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो वही हम बस यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखेंगे और आर हमारा इधर भेज दे रहे हैं, तो बस यही हमारा यहाँ पे किए हैं हम, माइनस आर कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान ली। अब देखिए हमारा क्या करते हैं हम यहाँ पे, हमको अब क्या चाहिए, एस जेड डैश की वैल्यू चाहिए। ठीक, एस जेड डैश की वैल्यू हमको चाहिए, हमारा एस जेड डैश हमको साफ साफ क्या दिख रहा है, एस इन एस एस डैश प्लस एस डैश जेड डैश हो रहा है। ठीक, सो एस जेड डैश इज इक्वल टू एस जेड डैश इज इक्वल टू एस एस डैश प्लस एस डैश जेड एस डैश जेड डैश। अब ध्यान से देखिए, इस फोकस से हमारी इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन का डिस्टेंस हमारा उतना ही होगा जितना इस फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन का हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक, तो यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिंस एस डैश जेड डैश इज इक्वल टू एस जेड, ठीक, हमारा एस डैश जेड डैश किसके बराबर है, एस जेड के बराबर है, सो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एस
z dash is equals to s s dash plus s z लिख सकते हैं। ठीक, इतना आपके पास आ गया। वो आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं इसको। ठीक, ये लास्ट वाली इक्वेशन, ये हमारी कितनी आ जाएगी, एस जेड डैश इज इक्वल्स टू एस एस डैश प्लस एस जेड। ठीक, ये हमारी आ गई। अब देखिए, अब हमको एस जेड की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। एस एस डैश की वैल्यू तो आपको मतलब इंटरमीडिएट में ही सिखाई जाती है, क्लास 11th में जब आप होंगे और जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, मतलब कि जो कोनिक सेक्शन होता है, हाइपरबोला पैराबोला ये सब जब क्लास 11th में आप पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया था कि इलिप्स के दो पोल का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 2 times ऑफ ए ई, जहां पे ए क्या होती है हमारी, ए होती है हमारी मेजर एक्सिस की, सेमी मेजर एक्सिस होती है ए। ठीक, सेमी मेजर एक्सिस होती है। ठीक, तो ये हमारा कितना होता है, तो अभी लिखते हैं हम ये चीज यहाँ पे। ठीक, तो यहीं पे आप लिखेंगे फिर सिंस एस एस डैश इज इक्वल्स टू 2ae। ठीक, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट। अगर आप भूलते हैं मतलब आपको नहीं याद है ये फॉर्मूला, ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक पेंसिल से कि इंटरमीडिएट फॉर्मूला, ताकि आपको जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये कहां से आ गया, आपको उस टाइम याद आ जाए कि हाँ ये इंटरमीडिएट का ही था, ये हम चीज हमको रटनी ही पड़ेगी। ठीक, तो चलिए एस एस डैश हमारा कितना आता है, 2ae। ठीक, अब एस जेड डैश हमने कई बार निकाला है। ठीक, एस जेड डैश हम कैसे निकालते हैं, कोनिक की डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम एस जेड डैश निकालते हैं। कैसे, यहां से ये जो लाइन होगी ये हमारा क्या होगा, सेमिलेटस रेक्टम होगा। ठीक, और यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर इस पे खींच दें, इसको M दे दें और इसको L दे दें, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक, ठीक, अब मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं और जो हमें प्रूफ करना है वो लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। अब तो जो हमें प्रूफ करना है वो मैं साइड में लिख दे रहा हूं, L by R is equals to minus times of 1 minus e square upon 1 plus e square into e cos theta, cos theta। ठीक, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। अब चलिए और ये चीज क्या है, ये हमारी इस वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन है। ठीक, तो वो हमारी इक्वेशन आएगी उसकी। चलिए, तो एस एस डैश हमारा इतना आ गया, अब एस जेड कितना होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कोनिक। ठीक, कोनिक सेक्शन की या फिर कोनिक की हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हमें क्या मिलता है कि This SL upon LM is equals to E। ठीक, तो हम कोनिक की डेफिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और कोनिक की डेफिनेशन से हमें यहाँ पे क्या आ जाता है कि SL upon में LM, ठीक, SL upon LM is equals to E। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SL जो हमारा है वो हमारा सेमी लेटस रेक्टम है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल l लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा LM है, यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा SZ और LM हमारा सेम है। ठीक, ये चीज हम कई बार पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे LM की जगह हम क्या रखते हैं, L upon SZ is equals to E। तो यहां से हमारा जो SZ आ जाता है वो हमारा कितना आ जाता है, L by E आ जाता है। ठीक, तो जैसे ही हमारा SZ L by E आ गया, अब हम यहाँ पे हम दोनों चीज को एस एस डैश को यूज करेंगे और एस जेड को हम यूज करेंगे और यहां से हमारा एस जेड डैश निकालने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूं आगे। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो
तो हमारा जो आ जाएगा एस जेड डैश, ठीक। इसको कोई इक्वेशन दे देता है, इक्वेशन नंबर टू तक हो गया था, ये हमारी इक्वेशन थ्री ले लीजिए, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एस डैश एंड एस जेड इन इक्वेशन थ्री, ठीक। इक्वेशन थ्री में जब हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, एस जेड डैश विल बी इक्वल टू एस एस डैश की वैल्यू है 2AE प्लस L बाई E, ठीक। आप देखिए यहाँ पे हम फिर से इंटरमीडिएट के फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। वहां पे क्या होता था कि जो हमारा A होता था, ठीक है, देखिए जो हमारा सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता था वो हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए से लिखा जाता था, ठीक। और हमारे बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते थे, ये हमारा होता था ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता था और अपॉन में ए है तो ए हम लिखेंगे, ठीक। यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम एल को और ये वाला टर्म अगर लेते हैं तो हमारा देखिए क्या आएगा, एल इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एल अपॉन में वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को आपको इस पे रख देना है, ठीक। तो जैसे ही आप भी यहां पे लिख सकते हैं फिर से पेंसिल से कि इंटरमीडिएट फॉर्मूला, ठीक, इंटरमीडिएट फॉर्मूला, ठीक। तो जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि ये कहां से आया और ये कैसे आया, ठीक। तो लिख जरूर लीजिएगा, वो आपके काफी काम आएगा, ठीक है। तो जिनको याद है और जिनको कॉन्फिडेंस है तो वो ना लिखें, ठीक। तो चलिए यहां से हम ए की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसके बाद हम कहां रफ करें, इधर हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहां से हमारा अगला जो स्टेप आ जाएगा, ए की वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे तो हमारा एस जेड डैश कितना आ जाएगा, एस जेड डैश इज इक्वल टू 2LE अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक। यही आएगा 2LE अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस L अपॉन ई, ठीक, इतना आ गया। अब यहां से अगर आप LCM लेंगे तो ये एस जेड डैश आपका कितना आएगा, 2LE स्क्वायर माइनस मिनी प्लस L माइनस LE स्क्वायर अपॉन में E इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ जाएगा, आप एलसीएम लेके एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक, आपका ये जो है इतना ही आएगा, ठीक। तो ये आपका एस जेड डैश आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2LE स्क्वायर माइनस LE स्क्वायर, केवल LE स्क्वायर बचेगा। तो फर्दर आप जब एस जेड डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी आ जाएगी, मैं ये मिटा दे रहा हूँ आप ऊपर, ठीक। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ आप, तो ये आपका आ जाएगा एस जेड डैश विल इक्वल टू एल ई स्क्वायर प्लस एल, तो एल कॉमन हो जाएगा तो ई स्क्वायर प्लस वन बचेगा, तो एल वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस ई टाइम्स ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक। एस जेड डैश की वैल्यू आपको पता लग गई। अब आप क्या करोगे, देखिए जैसे ही आपके पास एस जेड डैश की वैल्यू आ गई है आपको इक्वेशन वो वाली इक्वेशन में एस जेड डैश की वैल्यू पुट करनी होगी जहां आपका इस तरह से आया था ना, एस जेड डैश इज इक्वल टू आर माइनस टाइम्स ऑफ आर कॉस थीटा, ठीक। तो उस वाली इक्वेशन जो भी इक्वेशन हो वो नंबर आप देख लीजिएगा, ठीक। फिर यहां पे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एस जेड डैश इन इक्वेशन, ये जो भी नंबर की इक्वेशन हो उस पे रख दीजिएगा, आई थिंक शायद इक्वेशन नंबर टू थी, ठीक। तो उसमें ये चीज रख दी, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन तो कोनिक की थी, इक्वेशन टू ही होगी आई थिंक ये, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस जेड डैश इन इक्वेशन नंबर टू, ठीक, आप इक्वेशन नंबर टू में एस जेड डैश की जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे, ठीक, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन में ई टाइम्स ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आर कॉस थीटा
तो यहाँ से R नीचे ले जाइए, L अपॉन R आ जाएगा, L अपॉन R, बाकी सारे का सारा टर्म उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू ई और कॉस थीटा, ठीक, इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो देख लीजिए आपका जो सेम एकदम आ गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलेस, फॉर्मूला क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक बेसिक टर्म्स हैं उससे हमको क्लियर हो जाना है, जिसकी वजह से हम अगला क्वेश्चन हम अपना आराम से कर सकें, ठीक। तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कह सकते हैं आप, जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हम, पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में हमारे कई पावर वाले टर्म्स आते हैं, ठीक। तो अगर हम x की पावर 4 लेते हैं, यानी कि a x की पावर 4, जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस bx cube प्लस cx square प्लस dx प्लस e = 0, ठीक। तो इसके हमारे जो रूट्स होते हैं, मान लेते हैं कि हमारा कौन कौन से रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इसके मान लेते हैं हम चार रूट्स है, क्योंकि 4 पावर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसके चार रूट्स होंगे, ठीक। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके चार रूट्स हैं। अब देखिए जो हमारा सम ऑफ द रूट्स आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये हमारा कितना आता है, माइनस बी बाई ए, ठीक, ये हमारा सम ऑफ द रूट्स आता है। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, ठीक, आई थिंक देख लो एक बार, यही चार है ना, जी हाँ यही चार है। ये हमारे कितने आते हैं, c by a यानी कि c अपॉन a के बराबर आता है, ठीक। फिर इसी तरह से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, उनका क्या होता है, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा, इसका लेते हैं तो ये हमारा आता है माइनस डी बाई ए। और अगर हम अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इन सब का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर लेते हैं, तो वो हमारा आता है ई अपॉन ए, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, ठीक। तो आप इसको कहीं नोट बना के लिख लीजिए, ठीक, नोट करके लिख लीजिए कि इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, यहां पे लिख लीजिए इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, हैव ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, इसकी डिग्री 4 है, एंड रूट्स एज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन वी हैव द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए सर्कल ऑफ ए गिवन रेडियस, ठीक, एक गिवन रेडियस का सर्कल है, मतलब कि ओवरऑल हम कह सकते हैं हमें एक सर्कल गिवन है,
पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए गिवन कोनिक, हमारे कोनिक के फोकस से पास हो रहा है, ठीक। यानी कि अगर इस तरह का हमारा कोनिक है कोई, ठीक, तो उसके फोकस वाले पॉइंट से पास हो रहा है ये, ठीक, ये उसके फोकस से पास हो रहा है, ये जो पॉइंट फोकस है उसका, उससे पास हो रहा है हमारा सर्कल, ठीक। इंटरसेक्ट इट इन ए बी सी डी, यानी कि वो जो सर्किल है हमारा, हमारे कोनिक को चार जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। हमको क्या शो करना है कि एस ए, एस बी, एस सी, एस डी, यानी कि उस फोकस वाले पॉइंट से चारों इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक। वेयर एस इज द फोकस ऑफ द कोनिक, जहां पे एस हमारा क्या है, कोनिक का फोकस है, ठीक। तो चलिए आइए हम इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है हमारा। तो देखिए, ये हमारा एक, मान लेते हैं हमारा एक सर्किल है, ठीक, ये हमारा एक सर्किल हमने मान लिया, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये एक सर्किल बन गया है, ठीक। ये हमारा एक सर्किल हमारा है, और कह रहा है कि ये सर्किल हमारा एक कोनिक गया है, ये इस तरह से हमारा एक कोनिक गया है, ठीक। ये हमारा एक कोनिक है जो कि हमारे स्फीयर को चार जगह इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब ये है हमारा कोनिक का, मान लेते हैं हम ये कहीं हमारा कोनिक का जो है फोकस है, हम सर्किल का सेंटर नहीं ले रहे हैं, ये हमारा कोनिक का फोकस है, ठीक। कोनिक का हमारा क्या है, ये फोकस है, और ये हमारे क्या है, एस है, ये ए बी सी और डी, ये हमारे चार पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा जो है कोनिक और स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक। अब हमें एस ए, एस बी, एस सी, एस डी हमें क्या दिखाना है, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होगा, ठीक। ये देखिए, हमारा यहाँ पे एक जनरल कोनिक की बात की गई है और एक जनरल सर्किल की बात की गई है, किसी भी रेडियस के, ठीक, या फिर एक गिवन रेडियस के। इसका मतलब कि अगर हम इससे बड़ा एक सर्किल बनाते जो कि ऐसा कहीं होता कुछ, ठीक ठीक, तब भी जो है ये जो चार पॉइंट होते एस से, एक दो तीन, या यहाँ पे जो है ये तीन और ये जो चार है, इन चारों का जो हमारा वो होता, वो भी एक हमारा क्या होता, कॉन्स्टेंट आता, ठीक। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू हमको कह रहा है। तो चलिए, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, अब एक फॉर्मल फिगर बना देते हैं इसका, ठीक, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारा एक सर्कल, ठीक, ये हमारा एक सर्किल हो गया। अब इसके बाद हमारा कोनिक, ये हमारा कोनिक है, ठीक, ये हमारे कोनिक का फोकस है, और एक दो तीन चार, ये एस है, ये ए बी सी और डी, ये हमारे चार पॉइंट्स हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अपना जो है सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो हमारी कोनिक की इक्वेशन क्या है, ये हमारा आता है L बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। हमने जानबूझ के वो कोनिक लिया है जिसका फोकस कहां लाई करता है, पोल पे लाई कर रहा है, ठीक। यानी कि S हमारा क्या होगा, आपकी बार
पोल होगा, ठीक, यानी एस से ही हम सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक। तो एस हमारा क्या है, पोल है, ठीक। तो ये हमारा कॉनिक की इक्वेशन हो गई, और इक्वेशन नंबर वन इसको हम कह देते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो सर्किल है वो हमारे कोनिक के फोकस से पास कर रहा है, तब तो गलत बन गया ये फिगर, ठीक। हमारा जो सर्किल है वो कोनिक के फोकस से पास कर रहा है, ठीक। हमारा जो कोनिक है, अरे जो सर्कल है, ठीक, ये ओवल बन गया, ये मान लेते हैं हमारा एक सर्कल है, ठीक। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक, और हमारा सर्किल कहां से पास कर रहा है, हमारे कोनिक के फोकस से पास कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा कोनिक क्या है, और सर्कल हमको थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक, या हम चलिए कोनिक का फोकस है और हमारा कोनिक मान लेते हैं, हमारा कोनिक, ये हमारा कोनिक है, तो एक मिनट, ये हमारा कोनिक हो गया, इसका हमारा ये फोकस हो गया, ठीक, और फिर ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक। तो इसको और उधर बना लेते हैं, एक मिनट में डायग्राम बना लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा फिगर है, कह रहा है कि ये हमारा एक कोनिक है, ठीक, और कोनिक का जो फोकस है उसको हमने क्या कहा है, एस कहा है, और उस फोकस से हमारा एक सर्किल पास हो रहा है, ठीक, और उस सर्किल से मतलब जो सर्किल और कोनिक का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से हमने डिस्टेंस नापा, और उन पॉइंट को क्या कह दिया है, ए बी सी डी हमने उसको नाम दे दिया है, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर वन थी, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ कोनिक थी, हमने ऐसा कोनिक लिया जिसका फोकस ही हमारा क्या हो, पोल हो, ठीक। तो अब उस केस में हमारे सर्किल की जो इक्वेशन आ जाती है वो एक ऐसा सर्किल आ जाता है जो कि कहां से पास कर रहा है, हमारे फोकस से पास कर रहा, फोकस नहीं मतलब पोल से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन हमें लिखनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हम क्या लिखेंगे, सर्किल की जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी आ जाती है आर इज इक्वल टू टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक, थीटा माइनस अल्फा, हाँ यही था, ये हमारा जो है ठीक, हाँ ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम इक्वेशन टू कर लेंगे, यहां पे हम लिख लेंगे कि इक्वेशन ऑफ, छोटा छोटा पेंसिल से ही लिखा करिए कहीं कहीं पे आप लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस या फिर पासिंग थ्रू दी पोल, ठीक। तो ये हमारी क्या थी, सर्किल की इक्वेशन है जो कि हमारे कहां से, पोल से पास होके जा रहा है, ठीक। अब देखिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू टू ए कॉस ए कॉस बी, कॉस बी प्लस साइन, ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, साइन ए साइन बी, ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए हमारा मेन मोटो क्या है कि हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, और यहाँ पे ठीक, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे जैसे ही पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है, उसके बाद हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मतलब फर्दर उसके बाद हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मेन मोटो तो हमारा यही है कि हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखिए यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, और उसके बाद अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता लग गए तो साइन थीटा की वैल्यू भी हम आराम से निकाल ही लेंगे, ठीक। तो चलिए हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो वन अगर इधर माइनस में जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमको क्या मिलता है, एल बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और ये हमारा क्या दे देता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई ई टाइम्स ऑफ एल बाई आर
माइनस वन, ठीक, ये हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब हमको जैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई हम क्या करेंगे, अपनी साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी कैसे आती है, तो अब मैं यहां से रब कर रहा हूं इसको, ठीक, तो आप नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं नोट किया तो। चलिए मैं रब कर देता हूं, तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यही चीज हम यूज करते हैं, साइन थीटा हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन, नहीं ये हो जाएगा हमारा एल माइनस आर अपॉन ई आर। ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस आर अपॉन में ई इंटू आर, आप इस तरह लिख सकते हैं कॉस थीटा को। ठीक, तो अब यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, तो आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में ई इंटू आर, ये अंडर रूट। ठीक, आपका जो है साइन थीटा इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा की और ये वाले कॉस थीटा की वैल्यू उठा के आपको इस इक्वेशन में रख देनी है। आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर वन हमने दे दिया था कोनिक की इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर टू हमने दे दिया था सर्कल की इक्वेशन को, तो इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। ठीक, तो अब यहां पे हम लैंग्वेज यूज करेंगे, तो कहां मिटा रहा हूं, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, ये तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, इस इक्वेशन की तो हमको जरूरत है। चलिए आप देख लीजिएगा, ये इक्वेशन लिखे रहने देते हैं, बाकी नीचे मिटा दे रहे हैं। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन थ्री। ठीक, इक्वेशन थ्री में हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा आर इज इक्वल टू टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा की वैल्यू एल माइनस आर अपॉन ई आर, सो टू ए एल माइनस आर अपॉन में ई इंटू आर इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट ई स्क्वायर आर स्क्वायर, थोड़ा और बड़ा अंडर रूट आएगा। ठीक, ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल माइनस आर का होल स्क्वायर, एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में ई इंटू आर अपॉन में ई इंटू आर। ठीक, फिर इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन नंबर थ्री हो गई वैल्यूज पुट करने के बाद। ठीक, तो अब हम 2a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और ऐसा करते हैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज रहेगा आपका, तो 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो R इज इक्वल्स टू टू ए एल माइनस आर टाइम्स अपॉन में ई आर कॉस थीटा प्लस टू ए अंडर रूट। ठीक, टू ए अंडर रूट ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में
ई आर इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक ठीक। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद जो है ई आर, आप जो है ई आर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, अब आपका बन जाएगा ये ई आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड ई आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए एल माइनस आर अपॉन में ई आर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा हट गया कॉस थीटा प्लस टू ए अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म उठा के इधर लिख देते हैं, तो ई आर स्क्वायर माइनस टू ए एल माइनस आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू टू ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल एल माइनस आर का होल स्क्वायर, एल माइनस आर का होल स्क्वायर। इस डायग्राम को अब हम इरेज कर दे रहे हैं, आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा, ठीक। चलिए एल स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, ठीक ये हो गया आपका। अब इन दोनों इसको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अब स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखिए आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए ई आर स्क्वायर माइनस टू ए एल माइनस आर इंटू कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक ये हो गया आपका। इधर का स्क्वायर करना बचा है अभी आपके लिए, तो मैं नीचे का भी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक। तो चलिए यहां का स्क्वायर करेंगे तो ये ई स्क्वायर आर की पावर फोर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आएगा फोर ए स्क्वायर एल माइनस आर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कहां से आया, थीटा नहीं होगा अल्फा होगा आई थिंक, है ना। जी हाँ वो अल्फा है ना, जहां थीटा लिखे हैं वहां अल्फा कर दीजिए, कॉस अल्फा होगा ये सब, ठीक ठीक है, कॉस अल्फा होगा, ये भी होगा कॉस अल्फा होगा, क्योंकि थीटा को ही तो हमने रिप्लेस करके ये सारे टर्म लाए हैं, है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो सॉरी ये अभी नहीं आएगा, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी यानी कि ई आर स्क्वायर इंटू बी यानी कि माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा टू बी यानी कि टू, ये हमारा हो जाएगा फोर ए एल माइनस आर इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस फोर एल माइनस आर का होल स्क्वायर, सॉरी फोर ए स्क्वायर, है ना। तो माइनस 4a स्क्वायर इंटू एल माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए कैलकुलेशन है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये सब कैलकुलेशन चल रही है आपकी, ठीक। तो r की पावर 4 वाला टर्म इधर आ गया, अब हम इसको इसको भी आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक, और इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए
किया जाएगा e की e स्क्वायर r की पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 l r इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 e r स्क्वायर a l माइनस r इनटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 a स्क्वायर e है ये मेरा c लग रहा है r स्क्वायर माइनस और a स्क्वायर ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 l r इनटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब इसको आगे हम फर्दर e स्क्वायर r की पावर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा r की पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर l स्क्वायर ठीक है तो 4 a स्क्वायर 4 l स्क्वायर ठीक प्लस 4 a स्क्वायर r स्क्वायर ठीक फिर माइनस 8 l r a स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा फिर माइनस 4 e r स्क्वायर a l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 e a r क्यूब ठीक 4 e a r क्यूब इनटू कॉस अल्फा ठीक तो इनटू कॉस अल्फा यहाँ प्लस कर लीजिए यहाँ माइनस करा दीजिए ये ब्रैकेट बना दीजिए यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए कॉस अल्फा। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा इक्वल टू आपको यही चीज है अब आपको सिंपली सॉल्व करते जाना है तो इक्वल टू 4 ए स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर 4 ए स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर अब बाकी का टर्म मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ठीक माइनस 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर 4 ए स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर होगा यहाँ पे 4 ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फिर माइनस माइनस प्लस 8 ए स्क्वायर एल आर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये आ गया आपका अब ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, हम इसमें इसको जो है आर की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमारी डिग्री क्या है 4 है। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा अब ई स्क्वायर r की पावर 4 ठीक e स्क्वायर r की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक मिनट 4 r क्यूब वाले टर्म हम पहले लिखते हैं। ठीक, तो r क्यूब वाले टर्म हमारे क्या हैं ये है ना यानी कि प्लस 4 e a r क्यूब cos अल्फा प्लस 4 e a r क्यूब cos अल्फा। ठीक, हमने ये लिख दिया ठीक फिर हम r क्यूब के बाद अब r स्क्वायर वाले बहुत ढेर सारे टर्म हैं तो हम सारे r स्क्वायर वाले टर्म लिखते जाते हैं। सबसे पहले देखिए हम टिक करते जा रहे हैं हमारा ये हो गया है और ये हमने जो है लिख लिया। अब r स्क्वायर वाले टर्म तो 4a r स्क्वायर है ठीक और यहाँ सिंगल r है तो नहीं हमें r स्क्वायर चाहिए तो 4a r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा तो प्लस 4a r स्क्वायर 4a r स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये आ गया आपका फिर आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं है
यहां से अब हम आर स्क्वायर निकालते हैं, तो ये है माइनस फोर ए ई आर स्क्वायर, यहां पे ई नहीं था वहां ई है, तो माइनस फोर ए ई, फोर ए ई आर स्क्वायर एल, यानी कि फोर ए ई एल आर स्क्वायर कॉस सिंपली कॉस अल्फा से मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉस अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, तो हमने कौन कौन सा कर लिया, आर क्यूब वाला हो गया था, ठीक ठीक है। अब उसके बाद ये आर स्क्वायर वाला हमने यहां से किया, और ये वाला भी हमने क्या कर लिया, ठीक। अब इसके बाद कौन कौन से बचे, केवल अब आर स्क्वायर में इधर भी है, ठीक, तो ये हमारा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस फोर ए स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो माइनस फोर ए स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। फिर आर स्क्वायर यहाँ पे है, नहीं, आर स्क्वायर यहाँ है, प्लस में फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, या इधर नीचे लिख देते हैं, अब यहाँ जगह नहीं है तो, ठीक, प्लस फोर ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो ये भी आपका हो गया था, ये भी हो गया, ठीक, और ये सिंपल आर वाला टर्म है। तो आई थिंक देखिए हम शुरू से चेक कर लेते हैं, आर स्क्वायर वाले सारे टर्म हो गए, आर स्क्वायर वाला टर्म हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ये सिंपल आर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ आर वाले टर्म लिखते हैं, ठीक, प्लस सिंगल आर जिसकी पावर आर की पावर वन है, तो यहाँ पे तो नहीं है कॉस स्क्वायर अल्फा के बाद, ये देखिए है, तो ये माइनस एट एल या फिर ए स्क्वायर एल इंटू आर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, नहीं ये है, तो ये भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस एट ए स्क्वायर एल आर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम जिसमें आर का टर्म है ही नहीं, हम वो वाले टर्म्स लिखते हैं, जैसे कि ये फोर ए स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो प्लस फोर ए स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। फिर ये हो गया आर का टर्म, इसमें आर नहीं है, ये हमारा माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस फोर ए स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस फोर ए स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। फिर नहीं, आर का टर्म, ठीक है, तो ये हमारे हमने सारे टर्म्स लिख लिए, ठीक, काफी लंबी इक्वेशन बनी है ये, ठीक। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ का टर्म नहीं दिख रहा है, यहां वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो यह है माइनस फोर ए ई एल आर स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक, फिर माइनस फोर ए स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक, यहां अगर शाइन आ रही हो तो आप लिख लीजिए आराम से इसको, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो चलिए अब हम एक एक करके अपने आर स्क्वायर, मतलब कि आर की पावर फोर, आर की पावर आर की क्यूब और आर की पावर स्क्वायर, और आर को हम धीरे धीरे सेपरेट करते हैं, ठीक, और एक हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं आर की टर्म्स में, ठीक, मतलब कि आर एज अ वेरिएबल। तो चलिए मिटा ही लेता हूं, शायद तो लंबा नहीं हो जाएगा इतने में। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या आ रहा है, ई स्क्वायर आर की पावर फोर, ठीक, ये हो गया, फिर प्लस फोर ई ए
कॉस अल्फा प्लस आर स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा कितना हो गया, इतने टाइम्स ऑफ आर क्यूब, एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक, 4ae कॉस अल्फा, ठीक है हाँ। फिर अगला आपका आता है प्लस देखिए ठीक, तो एक चीज हमारी यहां पे रह रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो 4a स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 4a, एक मिनट तो और वही कहीं होगा, 4a स्क्वायर, एक मिनट, 4, अच्छा हाँ, तो यहाँ a स्क्वायर होगा, ठीक, यहाँ पे आपका a स्क्वायर होगा, ठीक, तो ये देखे ना यहाँ पे, ये हमने किया था 4 क्यूब वाला टर्म लेने के बाद हम ये वाला टर्म पहला लिए थे r स्क्वायर का, तो हमारा a स्क्वायर होगा, ठीक। अब अगर हम इसको और इसको देखें, ठीक, तो ध्यान से हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हमारा चलिए हम यहां तक लिख लिए हैं, ठीक। अब स्क्वायर वाला हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म हमने लिख लिया, ये वाला टर्म हमने लिख लिया है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 4a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर r स्क्वायर, इससे और इससे कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1, यानी कि 4a स्क्वायर r स्क्वायर बचा रह गया, ठीक। इसी तरह से और भी कुछ हमारा होगा, देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा है और ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो इसी तरह से हम माइनस 8 ए स्क्वायर एल आर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक, ये बचा, तो यानी कि ये दो टर्म्स भी हमारे खत्म, मतलब हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास क्या बचता है, ये मतलब हम सेपरेटली ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब तो सबसे पहले अब हम स्क्वायर, अब हम आर स्क्वायर वाले टर्म्स लिखते हैं, आर स्क्वायर वाले टर्म्स हमारे शुरू से अगर आए, ये हो गया था, ये हमारा बचा, यानी कि माइनस 4ae l r, यानी कि कॉस अल्फा है केवल, ठीक, कॉस अल्फा, ठीक है, तो ये आएगा हमारा प्लस टाइम्स ऑफ इतने इनटू आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर e स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक, तो ये हमारा प्लस कर लेते हैं इसको और यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, इंटू आर स्क्वायर, फिर ये हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, ये यानी कि 4a स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और 4a स्क्वायर l स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। इसमें भी देखिए 4a स्क्वायर l स्क्वायर अगर हम बाहर लेते हैं, यहीं पे 4a स्क्वायर l स्क्वायर अगर हम बाहर लिए तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया, हमारे सारे टर्म यहाँ पे आ गए हैं, ठीक, और ये सब इज इक्वल टू 0 हो गया है क्योंकि हमने राइट साइड ले लिया था, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ये देखिए ना, ये इक्वल टू था ना ये सब, तो अब इसके बाद हम सब इधर लेते गए थे तो इक्वल टू हमारा ये 0 बन गया था, ठीक, तो ये सारा हमारा हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से हमारा क्या आ रहा है, ई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 4 ई ए कॉस अल्फा आर की क्यूब, ठीक। अब हम आर स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं तो प्लस 4a स्क्वायर, ठीक, माइनस 4ael cos अल्फा और माइनस 4a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का और कोई टर्म हमारा नहीं बचा है, ठीक, तो हम आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए हमारा क्या हो गया, 4 की पावर हो गई 3 हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये बचा और वो बचा, यानी कि माइनस 8a स्क्वायर एल आर, ठीक, तो माइनस 8a स्क्वायर एल इंटू आर, ये भी हमारा क्या है, ये हम प्लस कर लेते हैं इसको, ठीक, और माइनस ऑफ 8a इंटू आर प्लस 4a स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
ये अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी क्या है, ये एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है। देखिए आर की पावर 4, आर की पावर 3, आर स्क्वायर, आर और हमारा जो है एक कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, ये एक क्वाड्रेट पॉलीनोमियल इक्वेशन हो गई जिसकी डिग्री हमारी 4 है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इस पॉलीनोमियल के जो हमारे रूट्स होंगे ना वो हमें क्या देंगे, जो हमें रूट्स होंगे वो हमारे सर्किल और जो हमारा कोनिक है उनके इंटरसेक्शन का पॉइंट देंगे। ठीक, यानी कि पॉइंट नहीं, पोल से मेजर किया गया डिस्टेंस देंगे। तो जो हमारा इस तरह से आ रहा था ना ये, और ये हमारा सर्किल बना था कुछ इस पे। ठीक, तो ये जो हमारे चार पॉइंट आए थे, ये फोकस हमारा यहाँ था और पोल भी जिसको हम कहते हैं, ये पोल हमारा यहाँ था। तो ये जो हमने चार पॉइंट मेजर किए थे ऐसे 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 और इस तरह से, ठीक, तो ये पोल से मेजर किए गए, यानी कि एस ए, एस बी, एस सी और एस डी, ये सब हमारे इनके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, इन सारे रूट्स का फाइनल हमें क्या निकालने को कहा था, एस ए डॉट एस बी डॉट एस सी डॉट एस डी। ठीक, तो ये हमको निकालने को कहा था और ये दिखाना था कि ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है। ठीक, तो हमको क्या निकालने हैं, इनके रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक, और इससे पहले जो हमने नोट लिखवाई थी उसमें बताया था कि अगर कोई भी आपकी चार डिग्री की पॉलीनोमियल है तो उसके रूट के प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, वो होगा हमारा e अपॉन a। ठीक, तो इस इक्वेशन में e की वैल्यू क्या है, 4a स्क्वायर l स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, e स्क्वायर। ठीक, तो चलिए आइए हम इसको निकालते हैं, इसको मैं अभी रेस कर दे रहा हूं। ठीक, ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां से इसके जो रूट्स है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, तो यहां पे द प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन एज, किस तरह से दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है। ठीक, इज गिवन एज, यहां पे लेट अल्फा बीटा गामा, नहीं 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 नहीं, अल्फा बीटा गामा नहीं आएगा आपकी बार, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या है, देखिए यहां पे आप इस तरह से लिखेंगे, ये आप नहीं लिखेंगे यहां पे, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, गिवन दैट, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बस उसी को लैंग्वेज में लिख देना है कि गिवन दैट द सर्कल, लाइए आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखवा दें, ठीक, गिवन दैट द सर्कल कट्स कट्स द कोनिक एट पॉइंट्स पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ठीक, देयरफॉर एस ए एस बी एस डी सॉरी एस सी एंड एस डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिएगा, ठीक, इक्वेशन नंबर 4, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी, जो हमारे रूट के प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, एस ए डॉट एस बी डॉट एस सी डॉट एस डी इज इक्वल टू ई, यानी कि 4a स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा। ठीक, अब जैसे कि यहां पे लिखेंगे, आप यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एज ए एल एंड ई आर कॉन्स्टेंट सो एस ए एस बी एस डी एस सी एंड एस डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक,
हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। और मैं बताऊंगा आपको कि टोटल आपके पास लगभग कॉनिक सेक्शन से 23 से 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 एटलीस्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। और जिनका ज्यादातर चांसेस रहता है कि उन्हीं 10 में से, मतलब कि आप कह सकते हो 80% चांसेस रहता है कि उन्हीं 10 में से आए। कभी कभी अगर पेपर सेट करने वाले का या जो भी होते हैं उनका अगर मूड थोड़ा सा फिर जाता है, या फिर उनको अगर कुछ ट्विस्टिंग एलिमेंट डालने होते हैं पेपर में, तो वो बाकी जो 25 मतलब बचे हुए 13-15 जो क्वेश्चन है उनमें से देते हैं, ठीक। नहीं तो वही 10 क्वेश्चन में से ही आपके कोई 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं, या फिर या तो वो क्वेश्चन में से आएंगे या फिर आपका कोई एक आर्टिकल पूछ लेगा। आर्टिकल आपका ज्यादा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन, बट क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो अगर आप कहीं कैलकुलेशन करते वक्त गलतियां ना करो तो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए, और फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन में आप जो है कहीं देख नहीं सकते हो कि कहां, मतलब पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहां पे मिस्टेक हुई है, पूरा आपको पूरा शुरू से करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सेम इसी तरह करना है, ठीक। वो मैं बताता हूं कहां तक करना है एकदम, तो नोट कर लिया आपने, ठीक। तो चलिए अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं पहले, और उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। बस आप ये इक्वेशन नंबर 4 जो आपकी आई है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है, ये अभी आप एक मिनट के लिए इसको आप जो है दिमाग में मतलब एक बार देख लीजिए, ठीक। आप देख लीजिए कि यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसको, तब तक हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और हमने जो है हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 थी, या फिर कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उसको हमने नहीं मिटारा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि ए सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कोनिक, उसी तरह से हमारे कोनिक के फोकस से पास होने वाला एक सर्कल है, ठीक। तो हम आराम से ये 2 चीज गिवन है, तो हम आराम से ये इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। पहला वहां से हमें क्या आ जाएगा कि हम कोनिक की इक्वेशन क्या मान लेंगे, एल बाई आर इक्वल टू 1+E cos θ, ठीक। और ये कोनिक मतलब कि इसका इस ये ऐसा कोनिक है जिसका फोकस ही हमारा कहां पे लाई करता है, पोल पे लाई करता है, हुँ? अब हमें क्या निकालना है, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस कोनिक के फोकस से होकर पास कर रहा हो, फोकस ही इसका पोल है, यानी कि हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि जो सर्कल हमारे पोल से होकर पास कर रहा हो। तो वहां से हमारे उस सर्कल की इक्वेशन आ जाती है, वो क्या आ जाती है, R इज इक्वल टू 2AR cos θ-α, ठीक। आई थिंक यही होती है, एक बार मैं चेक कर लू, 2R इज इक्वल टू, हाँ R कैंसिल आउट, ये हट जाता है, ठीक। R इज इक्वल टू 2A cos θ-α, ये हमारी हो जाती है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सपेंड करके लिख देना है, ठीक। यानी कि cos θ cos α, देखिए cos θ cos α प्लस sin θ sin α, ये cos θ-α को ब्रेक करना है, ये जो हमारा आएगा वहां से हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन की मदद से। यहां से हमें cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर sin थीटा इज इक्वल टू √1-cos²θ, और यहां से cos थीटा की वैल्यू अगर हम उस फॉर्मूले में रखेंगे तो वहां से हमें sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उस cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को आप इसके एक्सपेंडेड फॉर्म वाले इक्वेशन में रखेंगे, ठीक। और उसके बाद आप दोनों साइड स्क्वायर करके आपको आराम से ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है, बस आपको ध्यान देना होगा कि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक। आराम से आप ये इक्वेशन ऑब्टेन कर ले जाओगे, ठीक। तो पूरा आपको सेम प्रोसेस यहां तक अपनाना है, आराम से आप बैठिए लिख लीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन आप उतारिए, उसके बाद जो आपका इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपकी जो लैंग्वेज से शुरुआत थी, जहां तक ये इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक, वहां तक आप पूरा इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक। और अगर फिगर बताऊं तो फिगर आप इस वाले क्वेश्चन में आप फिगर रहन दीजिए, ठीक, फिगर मत बनाइए आप, मतलब कि सेम ही चीज है, ठीक है ना, बस वो अलग अलग चीज, मतलब जो चीज पूछ रहा है वो अलग पूछ रहा है। R1, R2, R3, R4 क्या है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ये देखिए भाई SA, SB, SC, SD है, ठीक। इस बार इसको R1, R2, R3, R4 कह दिया है, ठीक। तो मतलब वही सेम फिगर से भी आपका काम हो सकता है, बस वो ABCD जो नेमिंग है आपको खुद के हिसाब से फिर चेंज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप इसमें फिगर मत बनाइए, ठीक, सेम पूरा वहां से स्टार्ट करिए, यहाँ इक्वेशन 4 तक लिखिए, उसके बाद मैं आगे आपको लिखवाता हूँ, ठीक, ये आप नहीं नोट करेंगे।
जो आपका इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था जिस तरीके से, यहां तक आपको पूरा सेम नोट कर देना है इस क्वेश्चन में। तो नोट कर लीजिए तब तक। तो चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो वहां से यहां तक आपका सोल्यूशन सेम रहेगा। अगला जो हमारा इसके आगे का स्टेप है वो हमारा रहेगा, यहाँ पे हम ये इक्वेशन ऑब्टेन कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, लैंग्वेज आपको प्रॉपर लिखवा दे रहा हूं, गिवन दैट सर्कल कट्स द कोनिक एट पॉइंट्स, ठीक, एट पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस आर आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर, ठीक। देन आर वन आर टू आर थ्री, ये देखिए हम एक टाइम पे जो हमारा वो वाला फॉर्मूला था आपको याद दिला दूं, आपके नोट में देखिए आपका सम ऑफ द रूट्स, नहीं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम वाला जो फॉर्मूला था, जिसमें आपका क्या आता था ए बी सी डी, यानी कि माइनस सी, सॉरी माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई, डी बाई ए, माइनस डी बाई ए जिसमें आता था, मैं एक बार चेक कर लू, हाँ तो माइनस डी बाई ए जिसमें आया है वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो अब रूट हमारी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर है, तो हम तीन रूट का प्रोडक्ट एक बार लेते हैं और वैसे ही हम उनका सम करते जाते हैं। तो आर वन आर टू आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री आर फोर प्लस आर थ्री आर फोर आर वन प्लस आर फोर आर वन आर टू इज इक्वल्स टू, कितना आता है आपका इनका, ये आता है आपका माइनस डी, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी क्या है आपका यहाँ पे, माइनस एट ए स्क्वायर एल है, तो ये आ जाएगा एट ए स्क्वायर एल अपॉन में ए कितना है ई स्क्वायर, ठीक ई स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए ये आ गया आपका, आप इसको फोर्थ इक्वेशन दिए थे तो इसको आप दे दीजिए फिफ्थ इक्वेशन। इसके बाद भी आपका एक चीज आती है, ठीक, अब आप क्या यूज करेंगे, अब आप फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे। ठीक, यानी कि R1, R2, R3, R4 फाइंड आउट करेंगे तो वो फिर से कितना आएगा, अभी हमने पीछे निकाला था 4a स्क्वायर l अपॉन में e स्क्वायर, ठीक, l स्क्वायर भी है, ठीक, तो ये आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 ले लेंगे। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं अब अपनी इस इक्वेशन को, ये जो हमारी पॉलीनोमियल इक्वेशन है इसको अब इरेज कर रहा हूं। ठीक, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे अगर तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए R1, R2, R3 इन सब को डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक, तो इस इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 5 को 6 से डिवाइड करना है तो आपका आ जाएगा R1, R2, R3 प्लस R2, R3, R4 प्लस R3, R4, R1 प्लस R4, R1, R2 अपॉन में R1, R2, R3, R4 is equals to 8A square L, 8A square L upon में E square divided by 4A square L square upon में E square, 4A square L square upon में E square, एक बार मैं चेक कर लूं, जी हाँ ठीक है, तो यही है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करते हैं सिंपली। ठीक, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन टू थ्री से कटा तो वन बाई आर फोर बचा, प्लस टू थ्री फोर गया तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक, इज इक्वल्स टू, देखिए ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये एल से ये एल,
और ये आया 2 और ये आया 4, तो आपका कितना आया, अपॉन में 2 आया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपका एल बचा रह गया, तो एल। ठीक, तो ये आपका सीक्वेंस वाइज अगर लिख ले तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 = 2 upon L, ये आपका प्रूव हो गया जो आपके क्वेश्चन में बोला है। ठीक, ये आपका देखिए हमने प्रूव कर दिया है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, काफी बड़े क्वेश्चंस थे, खत्म हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका और दोनों सेम ही तरीके से लगना है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, आप खुद ही रियलाइज कर रहे होंगे। ठीक, तो ये आपके आज हमने 3 क्वेश्चंस आपके करा दिए। ठीक, और अब अगले लेक्चर में भी हम जो है क्वेश्चंस आपके कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।